टॉप 3 बेस्ट 64 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर कोई अच्छा सा एडवांस कैमरा सेटअप ढूंढ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे 3 कमाल के स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी C55 की। यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आपको काफ़ी अच्छा लुक देता है। बात करें डिस्प्ले की तो 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। डे लाइट वगैरह में दोस्तों यहाँ पर फोटोज काफ़ी कमाल की निकल कर आती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वैसे बैक कैमरा से आपको 60 FPS तक का सपोर्ट भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G88 का चिपसेट। हालांकि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर आता है लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 2,11,000 के आसपास का स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है, तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और EMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी रिपोर्ट भी दी गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे लगभग 11,000 रुपये। वहीं पर स्मार्टफोन के 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे 12,000 रुपये। तो रियलमी की तरफ से 11,000 रुपये की प्राइस पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं अब उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों इस बजट के अंदर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस करना है और साथ ही साथ उन्हें कैमरास भी अच्छे चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोको का M4 Pro 4G। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ में आता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED वाली पैनल मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन लगा हुआ है, 1000 नीट्स की हायर ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन की बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरा मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, हालांकि आपको यहाँ पर ओमनीविजन का सेंसर दिया गया है, बट इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी काफी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G96 चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट भी 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है और लगभग आपको यहाँ पर G95 जैसी परफॉर्मेंस देता है। तो डेली टास्क के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का बहुत अच्छा है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर लेकिन आपको यहाँ पर MIUI 13 मिलता है। सो देखा जाए तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, ऑलराउंडर है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 64 के लिए इस समय आपको देने होंगे 12,999 रुपए। सो आप चाहें तो इसे भी एक बार जरूर देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करें तो लिस्ट के आखिरी फोन की, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन फोन के कैमरास काफी अच्छे हैं। और गाइस ये फोन यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M32 4G। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोस्तों आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर AMOLED पैनल के साथ में, जहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है।
800 नीट्स की आपको यहाँ पर हायर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में 4 कैमरा लगे हुए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर आपको सैमसंग का ही सेंसर मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया। फोन का कैमरा सेटअप दोस्तों बहुत अच्छा है, इमेज आउटपुट में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरे से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G80 चिपसेट, जो कि ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस आपको देगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराएगा। इसके साथ साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलने वाली है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा बैटरा मिलेगा और 15 W की चार्जिंग चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलेगी। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सो दोस्तों देखा जाए तो कैमरा के मामले में ये फोन भी बहुत कमाल का है। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए आप 1999 रुपये, सो आप चाहें तो इसे भी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थे वो 3 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं 64 MP कैमरास के साथ में, और आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है, वैसे अच्छी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी मिल जाती है, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन देख सकते हैं। सभी के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार उन्हें जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।